Princeton. Nubia Z50 Ace Pro जो दो दिन पहले लॉन्च हुआ फ्लैक्सिप कैमरा सेंट्रिक फोन है। फास्ट रिफ्रेश रेट, एमोलेड डिस्प्ले, फ्लैक्सिप प्रोसेसर, सुपरबिन डिजाइन, 35mm ह्यूमनिस्टिक कैमरा, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Nubia Z50 Ace Pro का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो हाल ही में लॉन्च हुआ कैमरा सेंट्रिक फोन है। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। फोन का बॉक्स देखे तो क्लासिक डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है। बॉक्स में कलर सिल्वर और ब्लैक कलर में मिलता है और बॉक्स के ऊपर ओल्ड फैशन कैमरा के डिजाइन देखने को मिल जाती है। बॉक्स स्टर्डी एंड थोड़ा थिक है। फोन का वेट थोड़ा ज्यादा लगता है। एक्सेसरीज में देखे तो टाइप C2C केबल मिल जाएगा और पावर एडेप्टर मिल जाएगा जो टाइप C की आउटपुट के साथ आता है। पावर एडेप्टर 80 वोल्ट की पावर को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं Nubia Z50 Ace Pro के डिजाइन की। वैसे फोन ब्लैक और कॉफी कलर स्कीम में मिलता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। फोन के लेफ्ट में डिफरेंट कलर देखने को मिल जाता है और इस पैटर्न में फ्लैश और नूबिया का लोगो मिल जाएगा। वैसे फोन में कैमरा मॉड्यूल बड़ा मिल जाता है और राउंडेड मिलता है। फोन का बैक ग्लास का बना है लेकिन यहाँ पे बैक दो डिफरेंट टेक्सचर के साथ आता है। राइट में लीची पैटर्न इफेक्ट मिल जाती है और लेफ्ट पार्ट में मेटालिक फील मिलती है जहाँ पे फिंगरप्रिंट के साइन आसानी से देखने को मिलते हैं। टेक्सचर लेदर जैसा है लेकिन ये ग्लास का बैक है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन टेक्सचर है तो इनहैंड फील भी अच्छी मिलेगी और ग्रिप भी अच्छी मिलेगी। डिजाइन कॉन्सेप्ट तो प्रीवियस जनरेशन जैसा सिमिलर मिलेगा क्योंकि Nubia Z50 अल्ट्रा में भी मल्टीपल पैटर्न मिल जाती है और यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न का यूज हुआ है, लेकिन प्रीवियस जनरेशन के कंपेयर में यहाँ पे डिजाइन थोड़ी ज्यादा ही आई कैचिंग है क्योंकि बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिलता है जो आजकल ज्यादातर फ्लेक्सिप फोन में देखने को मिलता ही है। बाकी बॉटम लेआउट तो सेम ही मिलेगा, फोन की फ्रेम मेटल की मिल जाएगी तो ऑल ओवर यहाँ पे डिजाइन पे तो अच्छा ही है, साथ में बिल्ट में भी डासू है। अब Nubia Z50 Ace Pro के डिस्प्ले की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में देखने मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए क्लिक यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल करें, हमारी टेक टीम को ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। Nubia Z50 Ace Pro में डिस्प्ले की बात करें कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, इस बार डिस्प्ले भी डिफरेंट मिल जाती है। इस बार फ्रंट फेसिंग कैमरा साइज में स्मॉल मिलता है, स्क्रीन सप्लायर भी डिफरेंट मिल जाता है, BOE Q9 है जो चाइना का लोकल सप्लायर है, और इस बार अंडर द स्क्रीन सेल्फी कैमरा भी नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस किया है कंपेयर टू Z50 अल्ट्रा। फोन में 6.8 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, रिजोल्यूशन 1.5K का मिल जाता है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की मिलती है। इट कैन अचीव अ लोकल पीक ब्राइटनेस ऑफ 1200 निट्स मेकिंग इट ब्राइट एंड क्लियर। साथ में 2160 हर्ट्ज का हाई फ्रीक्वेंसी डिमिंग फीचर भी मिल जाता है विच एनहांस द विजुअल एक्सपीरियंस। ऑल ओवर स्क्रीन की डिजाइन भी अच्छी है, राउंडेड कॉर्नर भी मिलती है, मिडल फ्रेम कॉम्बिनेशन में भी काफी अच्छा है, लुक्स वेरी कोऑर्डिनेटेड। Nubia Z50 Ace Pro में कैमरा की बात करें तो फोन तो यहाँ पे कैमरा सेंटर की है तो कैमरा फीचर्स तो ढासु ही मिलने वाला है। अभी Nubia की Z सीरीज स्पेसिफिकली ह्यूमनिस्टिक फोटोज के लिए जानी जाती है। इट फीचर्स अ 35mm फोकल लेंथ जो इस ह्यूमनिस्टिक स्ट्रीट फोटो के लिए वेल सुटेड है और कैमरा में भी काफी सारे इंप्रूवमेंट किए हैं। Z50 Ace Pro में अपग्रेडेड लार्जर 1x1.49 लार्ज एपेचर सेंसर मिल जाता है, सोनी IMX800 सेंसर मिलता है। आप डिसअसेंबली डायग्राम देख सकते हैं, द सेंसर इज मोर सिग्निफिकेंट देन द स्टैंडर्ड साइज व्हिच शोस दैट द Nubia हैड टू पुट इन कंसीडरेबल एफर्ट्स टू मेक इट वर्क। आप यहाँ पे सैंपल फोटोज भी देख सकते हैं। Thank you.
Nubia Z50S Pro में परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बार इम्प्रूव्ड Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल जाता है और ये ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। मैक्स क्लॉक स्पीड 3.36 GHz की मिल जाती है। एंटीटू स्कोर देखें तो 1.63 मिलियन के ऊपर मिलता है। ड्यूरिंग 20 मिनट्स ऑफ स्ट्रेस टेस्ट फोन में 87.2% तक स्टेबिलिटी मिलती है। इन अ गेमिंग टेस्ट Genshin Impact हाई सेटिंग पे 15 मिनट्स खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट भी 59.8 FPS तक मिल जाती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो यहाँ पे इंप्रेसिव मिल जाता है। Nubia Z50S Pro में बैटरी की बात करें तो लार्जर कैपेसिटी बैटरी मिल जाती है, 5100 mAh की बैटरी मिलती है जो अभी कॉमन है। दो घंटे मीडियम टू हैवी यूज करने के बाद बैटरी 83% रिमेनिंग रहती है, तो ओवरऑल बैटरी लाइफ तो अच्छी है। Nubia Z50S Pro में OS की बात करें तो MyOS 13 पे चलता है जो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, वैसे Android 13 बेस्ड है। फ़ोन में काफ़ी सारी एप्स भी मिल जाती है जिसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। Nubia Z50S Pro की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 3699 चीनी वन से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 42,300 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो फ़ोन में कैमरा सुपर्ब मिल जाता है। जिन लोगों को स्ट्रीट फोटोग्राफी पसंद है उसके लिए ये बेस्ट फ़ोन है। साथ में परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग मिलेगा, डिज़ाइन भी अच्छी है, लेकिन वेट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं Nubia Z50S Pro के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स टेक न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूल, और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।